हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा बेस चीजी गार्लिक ब्रेड। इसे बनाना एकदम आसान है और ये बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो सबको बहुत पसंद आता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं वो पहले हम देख लेते हैं। जिसमें मैंने ये 3 टेबलस्पून अमूल बटर लिया है, ये थोड़ा सा हमने धनिया पत्ती कट करके ली है, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज थोड़े से बड़े साइज़ में कट करके लिया है, ये ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, ये हाफ बाउल मैंने मोजरेला चीज़ लिया है, 3 मैंने प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स लिए हैं, ये हमने 8-10 लहसुन की कलियाँ अच्छे से क्रश करके ली है, और ये थोड़ा सा मैंने कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न, और 1-2 हमने हरी मिर्चें कट करके ली है। ये पिज़्ज़ा बेस मैंने लिया है जिसके ऊपर हम गार्लिक ब्रेड बनाने वाले हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये अमूल बटर रूम टेम्परेचर पे हमने लिया है, इसमें हम अभी बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ये ऑरिगेनो है जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, ये चिली फ्लेक्स है, इसे भी हमने 1/2 टीस्पून लिया है, ये भी इसमें ऐड करते हैं, और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है गार्लिक, वो हम इसमें ज़्यादा डालेंगे तो वो 2 टीस्पून हमने लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसे हमने अच्छे से क्रश करके लिया है, और साथ में ही हम 1-2 टीस्पून हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ, इससे वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और टेस्ट भी अच्छा आता है उसका। तो अभी सभी चीज़ें हम इसमें बटर में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसे बेस पे लगा लेंगे। ये जो बटर में अभी सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है, उसका अच्छा सा लेयर हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये दूसरे स्पून से मैं इसे निकाल लेती हूँ। सभी साइड को पूरा अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। ये इस तरह के प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स हमने लिए हैं 2, जिसे हमने अच्छे से ग्रेट करके लिया है। तो अभी इसमें हम ये मोजरेला चीज़ ऐड करते हैं, जितना इसका क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी हम इसमें मोजरेला चीज़ के ऐड करें। दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। अभी हम ये जो चीज़ हमने मिक्स करके लिया है, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे बहुत जनरसली डालना है। अभी इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े ही डालना है हमें। कॉर्न डालेंगे, आपको चाहिए तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, और जैसे डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट में मिलता है वैसे हम सिर्फ ऑनियन और हरी मिर्च इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बेस हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम इसे तवे पे बेक होने के लिए रखते हैं। ये पैन को हमने गरम करने के लिए रखा है, इसके ऊपर हम ये थोड़ा बटर लगा लेते हैं। और ये जो पिज़्ज़ा बेस हमने बनाया है ये इसके ऊपर रख देते हैं। ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे,
साथ में ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर डालेंगे। इसे हम जब तक कि हमारा चीज पिघलता है तब तक इसे हम ढक के पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज्जा बेस चीजी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। जिस तरह से हमने पैन पे रखा था चीजी गार्लिक ब्रेड, इसी तरह से हमने एक ओवन के लिए भी बनाया है। तो अभी ये हम ओवन में रखते हैं। ओवन को हमने पहले ही 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके लिया है और अभी हम ये पिज्जा इसमें डालते हैं। ये हमारा चीजी गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा दिख रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।